मेरा दिमाग ब्लैकआउट होने वाला है भाई कुछ देर में। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप लोग, और गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार सभी को। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बोमदिला से, और आज का सफ़र रहेगा बोमदिला टू तवांग। और मैं जिस गेस्ट हाउस में रुका था उस गेस्ट हाउस का ये साइन बोर्ड है। अगर आप लोग कभी अरुणाचल आते हो और बोमदिला रुकना पड़ा तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो रूम के लिए। और यहाँ पे बच्चे लोग देख रहे हैं, हेलो। तो चलिए आगे चलते हैं, ऐसे काफ़ी लेट हो चुका है। मेरा प्लान था 7 बजे निकलने का, लेकिन अभी 8:30 बज रहा है, तो मुझे तवांग भी पहुँचना है। और यहाँ बोमदिला से तवांग का सफ़र 180 किलोमीटर का कुछ सफ़र रहेगा। तो बीच में मैं दिरंग पे रुकूंगा और वहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करूँगा, जो ज़रूरी चीज़ें जैसे ग्लव्स वगैरह हो गया, टोपी तो है मेरे पास। देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं, रेनकोट वगैरह लेने के लिए कोशिश करूँगा। फिर अगर तवांग पे सिला पास में अगर वेदर कंडीशन ख़राब है तो फिर मेरे को शायद रस्सी उसी सिरकल उरकल लेना पड़ेगा टायर में लगाने के लिए। ये खूबसूरत सा व्यू जो आप देख रहे हो, ये बोमदिला टाउन से मतलब बोमदिला सिटी से थोड़ा ही ऊपर आके, लगभग 2 किलोमीटर ऊपर आके ये वाला व्यू आपको देखने को मिलेगा। और जब आप हिली एरिया में ट्रैवल करते हो ऐसा व्यू अगर आपको मिला तो ज़रूर उतर के देखिएगा, क्योंकि ऐसा व्यू आपको प्लेन एरिया में नहीं देखने को मिलेगा। तो हम लोग धीरंग जोंग घुसने वाले हैं अभी। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू धीरंग जोंग, और जोंग का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग धीरंग डिस्ट्रिक्ट घुस गए, और यहाँ पे तो दो रास्ते हैं भाई, कहाँ जाए, किस तरफ जाए, किस तरफ जाए, सीधा ही चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिकाशी सेला टॉप, यही होगा सही रास्ता। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं, किसी से पूछ लेते हैं यहाँ पे, किसी से पूछे, काफ़ी लोग हैं लेकिन पूछे तो किसे पूछे। अच्छा ये आगे एक अंकल आ रहा है, इससे पूछ लेता हूँ। पर सर टवांग जाने का रास्ता ही है, यहाँ से अच्छा यहाँ से टैक्सी का कहाँ से मिलेगा, टैक्सी हाँ धीरंग में मिलेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ धीरंग से टैक्सी शेयर करके जाऊँ। तो यहाँ धीरंग पे मार्केट पे उतर के यहाँ मार्केट पे आया था पूछने के लिए कि शेर में टैक्सी मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लोग ने बताया कि शेर में टैक्सी अवेलेबल नहीं है अभी, तो आपको टैक्सी पर्सनली रिजर्व करना पड़ेगा, तो और चार्जेस बहुत हाई है। तो अभी सोच नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, बाइक लेके जाऊँ वहाँ तक या ना जाऊँ। अच्छा सर यहाँ पे शेर टैक्सी कहाँ मिलता है, शेर टैक्सी वहाँ तो बोल रहे कि एक टैक्सी रिजर्व करना पड़ेगा, तो येलो पेड वाला टैक्सी नहीं होता ऊपर टाउन को भी जाता है वाला, जो आपका काउंटर पे बात कर लीजिएगा। कौन सा काउंटर है, वाला। अच्छा वाइन वाला, ये हाँ उस पर बात कर लीजिए, आपका टाउन जाना है अभी से गाड़ी आ रहा है उसमें आपको। अच्छा ठीक है मैडम, टाउन के लिए टैक्सी मिलेगा अभी, अभी? हाँ नहीं मिलेगा। कितना टाइम को मिलता है सुबह? अंकल ग्लोब्स है आपके पास, अच्छा वाला होगा भाई। तवांग बाइक लेके जा सकते हैं अभी, मौसम ठीक है आप जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं ना, बाकी रस्सी ले लीजिए। रस्सी क्या के लिए, चक्का में बांधने के लिए। अच्छा ये तो स्लिप करेगा ना, सीधा ये स्लिप कहाँ से करता है, सीधा 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 से पीछे पैसा से करेगा।
ये रस्सी कहाँ मिल जाएगा यहाँ पे? गला बंद दुकान मिल जाएगा ना, कोई भी रस्सी ले लेगा तो हो जाएगा ना? ठीक है, हम बेच के आपको मोटा वाला। अच्छा, तो प्लान था सेट टैक्सी में जाने का, लेकिन यहाँ पे सेट टैक्सी अभी अवेलेबल नहीं है, या तो बहुत सुबह आना पड़ेगा, या तो फिर आपको बहुत नीचे से बोमदिला या उससे पहले वहाँ से पकड़ के आना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ तक आया है, धीरंग तक आए हैं, तो फिर तवांग तक भी जाएंगे, है ना। तो मेरे पास जो ग्लव्स था, उस ग्लव्स से ठंड कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो ये वाला ग्लव्स ले दिया रिसेंटली में, 250 का ग्लव्स है। और रुमाल ले लिया, बार बार नाक पहुँचना पड़ रहा है, पूरा नाक से पानी गिरने लग गया ठंड से। तो दोस्तों धीरंग से कुछ आगे आके यहाँ पे मौसम एकदम टोटली चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे बारिश गिरने लगा, हल्का हल्का है रहा, देख सकते हो हल्का हल्का बारिश गिरने लग गया। तो सोचा यहाँ पे रुक के आप लोगों को ये लोकेशन दिखा देता हूँ। मॉनेस्ट्री तो नहीं है, एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। तो बोमदिला से थोड़ा आगे आके मेरे को दो दोस्त मिला, वहाँ पे रास्ते में रुका हुआ था, ऐसा नहीं रुका, रास्ता जाम था तो रुका हुआ था, तो वहाँ मिल गया और आके रुका हुआ है। देखिए तो अभी मेरा बाइक रास्ते में खड़ा, देखिए मेरे को हॉर्न दे रहा है, तो चलिए उनके साथ ही चलते हैं। बारिश आ गया था ना, इसलिए रुक गया था हम, लगा लिया ना। ठीक है चलो, मेरा तो हम तो ले नहीं लाया रेनकोट, ऐसे जाएगा। चलो अभी वो मंदिर से जैसे निकले उन लोगों के पीछे पीछे थोड़ा आगे आके फिर से बारिश आने लगी। इस बार बारिश नहीं, ये आइस गिर रहे, छोटे छोटे आइस गिर रहे। ये लोग भी आ गए वापस। क्या कैसे जाएगा, रेनकोट नहीं है, कोई तो कमी करो, जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पे। हाँ वो भी चला जाएगा, क्या करेगा। चला जाएगा वो किस घर, बोमदिला जाएगा, बोमदिला रुक के निकल जाएगा, फिर क्या करेगा ऐसे मौसम में। नहीं तो उधर से बोमदिला से टैक्सी रिजर्व करके आएगा। हाँ आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा रेनकोट। हाँ हाँ वही तो, बर्फ गिरा, बहुत ठंडा होगा। और ये जैकेट भी जाएगा तो फिर मेरा दूसरा जैकेट एक ही है और नहीं है। जाओ तुम लोग जाओ, नहीं तो जाओ हम आएगा बाद में ऐसे। हाँ आराम से आए।
देखिए दोस्तों उद्योग प्रिपरेशन आने से क्या हालत होता है। तो मैं नीचे पूछ के आया था, बोलता वेदर कंडीशन एकदम ओके फाइन है, दो दिन से लगातार कोई बारिश वरिश नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए रेनकोट वगैरह नहीं खरीदा, मैं सोचा बेकार में पैसा क्यों खर्च करना है भाई। ऐसे बहुत कम बजट लेके आया हूँ मैं, खाना पीना भी बहुत कम कम खा रहा हूँ। मेरे को तो लग नहीं रहा है मैं जा पाऊँगा आगे तक। ऐसा अगर बारिश गिरते रहा तो फिर मैं वापस चला जाऊँगा भाई। मेरा ये तवांग का ट्रिप कैंसिल, मेरे को नहीं जाना है भाई। तो मौसम का कोई गारंटी नहीं है भाई, पहाड़ का मौसम नो गारंटी। और ये चाइना का मौसम है भाई, चाइना के पास में, चाइना से ही आता है ना सारा मौसम, बादल वगैरह वहीं से आता है। वो उनका तो वारंटी वाला मौसम है। इतना तेज़ धूप था यार, ऐसा बारिश आ गया, मेरा कपड़ा भीग गया, बैग भीग गया यार, नाक से पानी गिरने लग गया। अब मौसम है यार, क्या शौक चल रहा था मेरे को भाई, अकेला अकेला यार सोलो राइड। जो प्रिपरेशन मन किया, बाइक उठाया, कपड़ा उठाया, बैग उठाया, आ गया भाई। और ऐसा बज रही है ना गाइस, हम लोग सुन के चौंक जाओगे शायद। मेरा मील जो खाना है, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूडिंग, तीनों टाइम का खाना इंक्लूडिंग 150 रुपये खर्चा कर रहा हूँ मैं। 150 रुपये हिसाब से, वो भी 150 रुपये से ज़्यादा ऊपर खर्चा ही नहीं कर पा रहा हूँ। 115 किलोमीटर है और अपने बाप कितना, 3 घंटा लगभग, 4 घंटा पकड़ लीजिए, 4 घंटा का रास्ता। अभी बज रहा है 12:30, 1, 2, 3, 4, हाँ मुश्किल है भाई, ज़्यादा मुश्किल है। गाइस मैं वापिस जाने वाला था, फिर दो दोस्त मिला मेरे को, KTM लेके आया हुआ है, वहाँ पर रुका हुआ है। और तो वो लोग ने बोला यार जोश चाहिए, चलो यार चलो, अगर तुम नहीं सकोगे तो फिर मैं चला दूंगा, ऐसा करके बोला। फिर मेरे को लेके आ गया लगभग, और आधा रास्ता आ गया मैं। और यहाँ देख सकते हो मेरा वाइट ये सारा स्नो गिरा हुआ है यार, देख सकते हो। और मैं अभी फिलहाल हाथ गर्म कर रहा हूँ यहाँ इंजन में, हाथ लगा लगा के। बाप रे बाप, इतना ठंडा, इसको लगा लेता एक बार, इसको लगा के। वो चिल्ला रहा है वहां पे खड़ा होके। सिलापा से पहले हम लोग एक मस्त व्यू पॉइंट पे रुके और यहाँ पे थोड़ा पानी उनी गरम चाय हुई पी लिया। मैं नवल है नहीं ऊपर।
नुआरिन जाओ हाँ नुआरिन नुआरिन मोर जूता नहीं ना भाल मन नहीं है। आप लोग से दो दोस्त मिला था और तेजपुर से दो दोस्त, तो उनको बहुत बहुत सॉरी यार, बिन बताया जा रहा हूँ मैं वापस। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा मेरे को कि मैं हूँ बोल के ऐसे मिल नहीं पाया, और आप लोगों को थैंक यू भी नहीं बोल पाया क्योंकि साहस तो दिया था आप लोग ने लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। नहीं सकेंगे भैया, बहुत मुश्किल है। फ्यूल मेरे पास नहीं है, दो स्टिक है, दो स्टिक मेरे पास भी नहीं है सर, दो स्टिक सिर्फ है, मेरे को वहाँ तक जाना पड़ेगा। गाइस इफ यू एवर प्लान टू कम अरुणाचल प्रदेश एट द टाइम ऑफ जनवरी एंड वांट टू विजिट तवांग, प्लीज डू कम विथ प्रॉपर इक्विपमेंट लाइक शूज, सॉक्स, जैकेट्स, रेनकोट एंड टू टाई ऑन टायर, चेन्स, रॉप्स, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। कहाँ पहुंच गया यार भाई मैं, काफी डर लग रहा है मन में, क्या होगा अभी, अकेले अकेले जा भी पाएंगे या नहीं पाएंगे नीचे तक। ऊपर से गाड़ी आ रहा है और गाड़ी का भी ब्रेक नहीं लगा तो गया मैं काम से भाई, सेट कर दो फटाफट। पहले सुना करता था यार कि ऐसे आइस में गाड़ी का चक्का बहुत स्लिप करता है, चेन वगैरह लगाना पड़ता है, रस्सी लगाना पड़ता है, लेकिन आज लाइव एक्सपीरियंस कर लिया यार, काफ़ी डर लग रहा है अभी क्या करूँ यार, इंजन स्टार्ट करने के लिए भी अभी मन में साहस नहीं आ रहा है, पैर से घसक घसक के जा रहा हूँ आगे की तरफ। ओह माय गॉड यार, आई एम टोटली स्कैर्ड गाइस, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, there's no network on the phone, whom to ask what to do here. और यहाँ आगे देख सकते हो आप, यहाँ भी इनको चढ़ने में दिक्कत आ रहा है, शायद स्लिप कर रहा है टायर को, ये भी चेन यार रस्सी लगा रहा है टायर में, इतना धीरे धीरे गाड़ी चलाना पड़ रहा है भाई, मैं तो पैर से थाम थाम के जा रहा हूँ दोनों साइड में, थोड़ा ब्रेक मारने पर गाड़ी फिसल जा रहा है। माय गॉड यार, इतना ठंडा है भाई कि मेरा हाथ पैर सेंसलेस हो गया, मेरा दिमाग ब्लैकआउट होने वाला है भाई कुछ देर में। यहाँ भी ब्रेक मारने के लिए भी बहुत डर लग रहा है यार मुझे, क्या करें यार, इस साइड में निकलवा देता हूँ, बस 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 करप्टर में अगर ब्रेक मारता ना कहाँ मैं नीचे गिर जाता सही जगह, कंट्रोल कर पाता या नहीं पाता यार, मेरा हाथ पैर पूरा पैरालाइज हो गया यार, मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अभी। देखिए किस तरह से स्नो गिर रहा है यार, पूरा इस तरफ आ रहा है मेरी तरफ, हाँ ये डॉग कैसे रह पा रहा है यार इतने ठंडे में, और बाइक पूरा सफेद हो गया। और सॉरी गाइस, उसके बाद मैं वीडियो बना ही नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथ पैर चलना बंद हो गया था यार, मैं मोबाइल छू नहीं पा रहा था। और थैंक्स टू दोस आर्मी हु हेल्प मी आउट देयर, अगर वो लोग मुझे हीटर नहीं देता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, काफ़ी रिलीफ मिला मेरे को हीटर यूज़ करके, क्योंकि मेरा हाथ पैर टोटली पैरालाइज हो चुका था, सेंसलेस हो चुका था, मतलब कुछ क्या छू रहा हूँ क्या कर रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मैं ब्रेक भी नहीं मार पा रहा था अच्छे से। हाँ तो गाइस, कल रात को मैं इसी होटल पे रुका था, ये आपका होटल स्नो लायन, स्नो लायन काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और काफ़ी बड़ा है देख सकते हो मेरा, तो अरुणाचल का टूर ये ख़त्म होते हैं, अभी घर के लिए निकल रहे हैं, बाइक स्टार्ट दे दिया सुबह सुबह।